चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी सीजन जो है बुखार का है। बरसात के दिनों में डायरिया, डिसेंट्री, बुखार का खतरा बढ़ जाता है। बुखार एक तरह का नहीं होता है, बुखार बहुत तरह का होता है। वायरल बुखार भी होता है, पैरासाइटिक बुखार भी होता है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यह सब बुखार आजकल के सीजन में ज़्यादा होता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हर बुखार का अलग अलग दवा होता है, तो उसके लिए आप वीडियो बना रहे थे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कुछ से कुछ दवा खा रहे हैं, कुछ से कुछ दवा खाकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। अभी मेरे गृह जिला में एक कल 32 साल का लड़का का हम रिपोर्ट मेरे पास आया था, जिसको 2 महीने से बुखार था, रुक रुक के बुखार आ रहा था, जा रहा था, वह दवा कहीं कहीं से लेके खा रहा था, और 2 महीना में जब ठीक नहीं हुआ, दवा खाते खाते थक गया, तो किसी अगल बगल के आदमी से राय लेकर वह सोचा कि डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर से दिखाने गया, सब जांच हुआ, और जांच में पता लगा कि उसका दोनों किडनी फेल था। यानी कि दवा के ज़्यादा एंटीबायोटिक के यूज़ से, कार्टिसोन के यूज़ से, डेक्सोना, वाइसलोन के यूज़ से, और ज़्यादा दर्द का दवा, बुखार का दवा खाने के चलते, ठीक रूप से डायग्नोसिस नहीं कराने के चलते यह सब उसको हुआ है। इसलिए किडनी के फेल्योर का भी पेशेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कहाँ करना है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यदि बिना कारण के आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अगर कोई मानते हैं डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, मलेरिया बुखार है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, कोई भी वायरल होता है 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, आप हाई डोज में एंटीबायोटिक दे रहे हो तो उससे कोई फायदा शरीर को नहीं होता है। ऊपर से आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है, और हमारे भीतर जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस या जो भी मतलब कि इन्फेक्शन वाले चीज़ हैं, वह ह्यूमनाइज हो जा रहे हैं, वो अपना रेजिस्टेंस बना रहे हैं, और एंटीबायोटिक सब रेजिस्टेंस होते जा रहा है। और एक ऐसा समय आने वाला है कि जो हमारा देश सुपर बग में चला जाएगा, जिस समय हमारे देश के लोगों पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। इसके लिए हमने कितने भी वीडियो बनाए हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का हम लोग धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ कुछ लोग का कंप्लेन है कि बुखार आजकल हो रहा है तो 104 डिग्री, 5 डिग्री बुखार होता है, और किसी साधारण डॉक्टर के पास या किसी भी फिजिशियन के पास जाता है तो वह दवा लिखता है, तो उसके उसके द्वारा मरीज को ठीक होने में 3-4 दिन समय लग जाता है, 5 दिन समय लग जाता है, 6 दिन समय लग जाता है। लेकिन वहीं कहीं से अगर वह मेडिकल शॉप वाला या फिर कहीं से दवा लेके खाता है तो उसका 1 दिन में ही ठीक हो जाता है। शुरू दिन से ही हाई डोज एंटीबायोटिक और डेक्सोना मिला के दिया जाता है, और एंटीबायोटिक और डेक्सोना का यूज अपने बीमारी के अनुसार जगह पे होना चाहिए। अनवांटेड किसी भी बुखार में, सीजनली बुखार में, डेंगू बुखार में इसका यूज नहीं होना चाहिए, और कार्टिसोन का यूज तो बहुत रेयर केस में होना चाहिए। तो यह सब जो कुछ से कुछ दवा हम ले रहे हैं उसके चलते हमको डायबिटीज, किडनी खराब, लीवर खराब, बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि सर्दी का नदी बरसात का समय है, अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप दवाओं का जो सेवन कर रहे हैं, जो दवाओं का चुनाव कर रहे हैं, वह बीमारी के अनुसार कीजिए, और खास करके पेन किलर, कार्टिसोन और एंटीबायोटिक का अनर्गल बिना कारण के, बिना प्रूफ के, बिना जांच के कन्फर्म हुए दवा का सेवन नहीं कीजिए। इससे आपको किडनी पे खतरा है, और इससे आपका प्रतिरोधक क्षमता और कमजोर होगा, और भविष्य में कोई बीमारी अगर हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियल बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस समय सारा एंटीबायोटिक आपके शरीर में रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर एक समय आएगा जिसपे समय आपको कोई दवा काम नहीं करेगा और आप दवा के बिना तड़प के मर जाइएगा। तो इसीलिए यह जागरूक करने के लिए वीडियो बनाए हैं। अच्छे से रहिए, रोज स्नान कीजिए, सफाई में रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद।